दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। इस योजना का लाभ हम लोग कैसे ले सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट पे दिख रहा होगा दोस्तों 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों को इसमें ऐड किया गया है। इनमें से 18 प्रकार में से कोई भी व्यवसाय यदि आप करते हैं या फिर शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपको इसमें ट्रेनिंग कराएगी, जो भी आप इनमें से काम करना चाहेंगे उसमें विशेष जानकारी के लिए आपको ट्रेनिंग कराएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद आपको सर्टिफिकेट आईडी कार्ड भी और ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको सामान खरीदने के लिए 15,000 रुपए फ्री में मिलेंगे। साथ में आपको बिना किसी गारंटर का लोन भी मिलेंगे बहुत ही कम ब्याज दर पर। तो ऐसे में पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत ही ज्यादा लाभ साबित हो सकता है यदि आप कोई भी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, इसमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है, डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और इसमें क्या लाभ हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पीएम विश्वकर्मा योजना से क्या लाभ है। मैं डिटेल से इस वीडियो में हर एक पॉइंट को बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों को इसमें ऐड किया गया है। इनमें से 18 प्रकार में से कोई भी व्यवसाय यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ इस योजना से मिलने वाली है। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि आवेदन कराने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। आपको आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र भी मिलेंगे जैसे आप इसमें आवेदन कराते हैं। जो भी प्रोसेस इसमें कराने का है मैं वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। जो प्रोसेस इसमें बताया गया है कंप्लीट प्रोसेस यदि आप करते हैं तो इसके साथ साथ आपको आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। इसके बेसिक पर आप कोई भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं और साथ में आप अपने बिजनेस में यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट पे मेंशन की गई है कि ट्रेनिंग के दौरान यदि आप इसमें ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग इसमें दो प्रकार का होगा। यदि आप बेसिक ट्रेनिंग करना चाहेंगे 18 प्रकार में से कोई भी प्रकार का आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय को आप शुरू करना चाह रहे हैं तो ऐसे में जो भी आप व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं उस रिलेटेड आपको यदि बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको 5 दिन का ट्रेनिंग करना होगा और यदि आप एडवांस लेवल का ट्रेनिंग चाहते हैं तो आपको 15 दिन का ट्रेनिंग करना होगा। तो इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेंगे। ट्रेनिंग करने के दौरान आपको 500 रुपए पैसे मिलेंगे। साथ में यदि आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट तो मिलेंगे ही, आईडी कार्ड तो मिलेंगे ही, साथ में आपको टूल किट को खरीदने के लिए 15,000 रुपए अनुदान पे मिलेंगे फ्री में। यानी कि जैसे आप इनमें से 18 प्रकार में से कोई भी एक प्रकार का ट्रेनिंग को करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी सामान को आपको खरीदना है बिजनेस को शुरू करने के लिए। फॉर एग्जांपल यदि आप मिस्त्री का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मिस्त्री से रिलेटेड कोई भी चीजें खरीदना पड़ रहा है जैसे कि करनी वगैरह जो भी चीजें उसमें यूज होती है वो सभी चीजों को आपको खरीदने के लिए 15,000 रुपए आपको फ्री में दिया जाएगा। दोस्तों जैसे आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं आपको 15,000 रुपए फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद आपको व्यवसाय को शुरू करने के लिए फर्स्ट किस्त आपको 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे बिना गारंटर के। आप बैंक में जाएंगे, आपका गारंटर मोदी बनेंगे। ये तो आपने सुना ही होगा कि प्रधानमंत्री आपका गारंटर बनेंगे और आपको 1,00,000 रुपए बिना गारंटर का मिलेंगे, वो भी सबसे कम इंटरेस्ट पे, यानी कि केवल 5% एनुअल, यानी कि साल में 5% 5% का ही ब्याज आपको लगने वाला है। 5% का ब्याज आपको साल में लगने वाला है जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट है। दोस्तों यदि ऐसे डायरेक्ट कोई भी लोन आप लेना चाहते हैं तो कम से कम 8-10% तो लग ही जाता है ब्याज, लेकिन इसमें केवल 5% आपको ब्याज लगने वाला है और बिना गारंटर का आपको लोन मिलेगा। कोई भी बैंक में आप यदि लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे गारंटर की जरूरत पड़ती है या फिर आपका इनकम का स्रोत देखा जाता है या फिर आपका बैंक बैलेंस को चेक किया जाता है कि आप क्या वापस कर पाएंगे। लेकिन इस लोन में ऐसा कुछ भी चेक आपके लिए नहीं करेंगे बैंक, आपको बिना गारंटर का आपको लोन मिलेंगे। और दूसरी किस्त, जैसे आपको पहली किस्त इसमें 1,00,000 रुपए देंगे, दूसरी किस्त आपको 2,00,000 रुपए का भी लोन मिलेगा और फर्स्ट किस्त को चुकाने के लिए, यानी कि फर्स्ट किस्त का लोन आपने ले लिया उसको चुकाने के लिए आपको 18 महीने का टाइम मिलेगा। 18 महीने के अंदर आप उसको चुका सकेंगे। और यदि आप 2,00,000 रुपए का लोन लेते हैं दूसरी किस्त में आपको 2,00,000 रुपए मिलेंगे, उसको चुकाने के लिए आपको 30 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। 30 महीने के अंदर आप उसको चुका सकते हैं 5% इंटरेस्ट के साथ में। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि 13,000 करोड़ बजट इसका प्रावधान किया गया है। इतना बजट पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए देने जा रही है मोदी सरकार। तो इसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और इस योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यवसाय को ऐड किया गया है जो कि आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस किस योजना को लाभ मिलेगा इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 18 प्रकार का योजनाओं को इसमें है। जैसे कि फर्स्ट में है कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई और मालाकार। इस तरह से टोटल 18 यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। 18 प्रकार का व्यवसाय को इसमें ऐड किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभ साबित हो सकता है यदि इन 18 में से कोई भी एक व्यवसाय को आप करना चाहते हैं या फिर यदि आप कर रहे हैं तो। देख सकते हैं यहाँ पे शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान, यानी कि आप इसमें ट्रेनिंग करते हैं आपको
लाभ मिलेंगे ही, साथ में आपको पहचान के लिए आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की राशि दिया जाएगा, दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की राशि दिया जाएगा सहायता के तौर पे, और इसमें महज 5% की ही ब्याज लिया जाएगा, यानी कि बहुत ही कम इसमें ब्याज लिया जाएगा, केवल 5% का ही ब्याज इसमें वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। काफी लोगों का क्वेश्चन ये था कि ये मासिक ब्याज होगा या फिर वार्षिक होगा, तो ये वार्षिक होगा, यानी कि एनुअल ब्याज इसमें लिया जाएगा। साथ में योजना के तहत मिलेगा कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट लाभ, डिजिटल लेनदेन के लिए इंसेंटिव भी मिलेगा। जैसे कि आप कोई भी व्यवसाय को इसके तहत करने जा रहे हैं, व्यवसाय को आप यदि कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय आप इनमें से किए, आप कोई भी सामान को इससे रिलेटेड बनाए और बेचने के टाइम में आप डिजिटल लेनदेन करते हैं, आपको डिजिटल पेमेंट मिलती है, तो हर एक ट्रांजेक्शन पे 1 रुपये सरकार आपको देगी। यानी कि आपने महीने में 200-400 सामान आपने बेचे, सबका आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मिला, ऑनलाइन आपको पेमेंट मिला, तो उसमें एक एक ट्रांजेक्शन पे 1-1 रुपया आपको सरकार देगी। यदि आपने महीने में 500 सामान बेचा, 500 आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ, तो 500 रुपये आपको महीना सरकार देगी। इस तरह से आपको डिजिटल इंसेंटिव भी मिलेगी सरकार की तरफ से। तो दोस्तों योजना के बारे में तो अब हम लोग कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं, अब हम लोग जानते हैं कि इसका आवेदन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, आवेदन करा कहां से सकते हैं, डिटेल से हम लोग आगे का प्रोसेस को समझते हैं। तो आवेदन करने के लिए इसका एक ऑनलाइन वेबसाइट भी उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें पंजीकरण करना होगा, यहीं से इसको आवेदन करना होगा। दोस्तों आवेदन आप खुद से नहीं कर सकते हैं, आप खुद से आवेदन नहीं कर सकते हैं, आवेदन कराने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन करने का, इसी वेबसाइट में आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसी वेबसाइट में लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्स को लॉगिन करने का अलाउ किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट में एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन। अब आप सोच रहे होंगे कि बेनिफिशियरी तो आप खुद है, आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं? नहीं, आपको पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कहाँ से करा सकते हैं? सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, एडमिन लॉगिन, वेरिफिकेशन लॉगिन एंड ग्राम पंचायत के माध्यम से। यहाँ पे बहुत सारा लॉगिन करने का ऑप्शन है, जिनमें से आपके लिए सबसे आसान होगा सीएससी के माध्यम से। आप नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या फिर सीएससी के माध्यम से जाके पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण कराने के लिए आपको साथ में लेके जाना होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी साथ में लेके जाना है और वहाँ पे जाके आप पंजीकरण कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएंगे जो कि आपका आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओटीपी के माध्यम से आपका ऑथेंटिकेशन होगा, आपको फिंगर भी देना पड़ेगा। तो आपके आधार में मोबाइल नंबर का लिंक होना कंपलसरी है। यदि लिंक नहीं है तो नजदीकी आधार केंद्र में जाके आप अपने मोबाइल नंबर को ऐड करा सकते हैं अपने आधार से। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जगह पे आप जा सकते हैं, जैसे कि आप सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान के माध्यम से भी करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सीएससी के माध्यम से बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सीएससी भेली को ये सभी का नॉलेज भी होता है कि कैसे आवेदन को करना है, कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। वैसे सीएससी से इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कैसे करना है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो को बना दिया है। आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे सीएससी से किसी भी मेंबर का पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदन को कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट प्रोसेस उसमें बताया हुआ है। तो दोस्तों जैसे आप कोई भी सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन को करा सकते हैं, करा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन के माध्यम से, बेनिफिशियरी लॉगिन के माध्यम से आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, बाकी सारा चीजें आप देख सकते हैं, यानी कि आपका लॉगिन करने का यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका आवेदन करने का सारा प्रोसेस। तो आवेदन करके कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। ट्रेनिंग को कंप्लीट जैसे करते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कुछ फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, इस तरह का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको 15,000 रुपए दिया जाएगा। आपने जितने दिन का ट्रेनिंग किया उसका 500 रुपए करके पर डे के हिसाब से पैसे आपको अकाउंट में दिया जाएगा। जो आपने पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन कराते समय जो अकाउंट नंबर दिया, उसी में सारा बेनिफिट मिलेंगे। और उसके बाद आप लोन का भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया। यदि कोई भी पॉइंट यदि मिस हुआ हमसे, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, जिसमें मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।